अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और दो दिन से मुझे बुखार है और मेरी तबीयत नहीं ठीक बिल्कुल भी। मेडिसिन ले रही हूँ लेकिन अभी तक ठीक नहीं हुई, और टैबलेट्स खा खा के ना घबराहट बहुत हो रही है मुझे। तो व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। और कुछ पिछले कुछ दिनों से ना आप सब बहुत ज़्यादा कायली का पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए आज व्लॉग का स्टार्ट ही कायली से करते हैं हम लोग। कायली बायरक, मैं आपको कायली को दिखाती हूँ वो क्या कर रही है आजकल। हमें कायली ने ना बहुत तंग किया हुआ, मैं आपको बताती हूँ क्यों। ये मिलने हमारी कायली से, बहुत आप सब कह रहे थे कायली कहाँ है, कायली कहाँ है। तो क्योंकि कायली ना अब बड़ी हो चुकी है और अब ये पता है क्या करती है, जो चीज़ इसके हाथ लग जाए ना वो इसके अंदर जाती है। कोई इस मैडम के हाथ चीज़ लग जाए ना वो इसके मुँह में जाती है। शॉपर मिल जाए वो खाने लग जाएगी, कोई कारपेट खाने लग जाएगी, कोई चीज़ नहीं छोड़ती है ये, बर्तन खाने लग जाएगी, स्कॉच ब्राइट खाने लग जाएगी। हमें इतना डर लगता है, इतना डर लगता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इसके अंदर कहीं ब्लॉकेज ना हो जाए। तो ये इसकी बहुत गंदी आदतें हैं। वैसे तो सब बहुत प्यारे, देखिए मेरे पास स्टिक भी नहीं रही है, सब एनिमल्स बहुत प्यारे होते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पर्शियन कैट्स जो होती हैं ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करती। जैसे शॉर्ट हेयर कैट्स होती हैं ना, स्ट्रे कैट्स जो होती हैं, वो उनकी आदत होती है जो चीज़ हाथ लग जाए वो खा लेना। कायली की वजह से हम बहुत डरते हैं, हमारी इतनी प्यारी इतनी लाडली, और मुझे बड़ा डर लगता है कि कभी ये कुछ अल्लाह ना करे कुछ ऐसा खा ले और अगर ब्लॉकेज हो गई तो मैं क्या करूँगी। लेकिन इससे हमें हर चीज़ बचानी पड़ती है। और यहाँ फुजैल जो है ना इसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। ये देखो ये थप्पड़ इनको पड़े ना, इसको पड़े देखो कितनी अच्छी ग्रूमिंग हो रही है। हाँ फुजैल ग्रूमिंग ग्लव के साथ ना इसकी ग्रूमिंग कर रहे हैं। ब्रॉनी के हस्बैंड को तैयार कर रहा हूँ। ब्रॉनी के हस्बैंड को बड़ा मजा आ रहा है। बिल्कुल ना हमारे बच्चों के साथ सेट हो गया। ये देखें, ये ग्रूमिंग ग्लव बहुत जबरदस्त चीज है, ये बड़ी ही जबरदस्त चीज है। देखें प्यार करते करते ना कैट आपको कुछ भी नहीं कहती। असल में ना कैट को इतना ब्रश करवाना अच्छा नहीं लगता, तो ग्रूमिंग ग्लव के साथ इजीली ग्रूमिंग होती है। ये देखो ये अभी इसके लिए शर्ट निकाली थी, इसको बाइक राइड करवानी है। मजे की बात बताऊं, ये मफिन की तरह बाइक राइड करता है। इसकी बाइक राइड की वीडियो जो है ना वो कल आएगी, वो अपने लाजमी देखनी है। इसको भी बाइक राइड देनी है, मफिन को भी बाइक राइड देनी है। अभी ये देखे इसकी ग्रूमिंग हो चुकी है काफी देर से, एक्स्ट्रा बाल जो है ना उतर गए हैं। ये आप लाजमी मंगवाइएगा, एक कमाल की चीज़ है, कमाल की। इससे बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है, हमारी वेबसाइट से भी मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी दिया गया है नीचे, उससे भी मिल जाएगा। और एक ये ना ये लाजमी मंगवाइएगा अपने पास के लिए। ये वाला जो है ना ये बात स्प्रे दिखाना मुझे, मेरे हाथ में देना एक मिनट। ये इतना जबरदस्त है ना, इसको मैं खुद पे भी कभी कभी ना लगा लेता हूँ। अच्छा ये ना इसकी खुशबू आप यकीन करेंगे, मोबाइल में आपको पता नहीं चल रहा होगा कि आप फील भी नहीं कर सकते। इतनी 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 कमाल की फ्रेग्रेंस है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। आप मेरी बात पर यकीन करके देख लें। ये देखो ये ना ये है ना। हाँ ये देखो, कभी कभी मैं से भी कर लेता हूँ। इसकी बहुत जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, अपने ऊपर भी कर लेता हूँ, बहुत कमाल की खुशबू है। ये ड्राई बात है ना कैट को, बस आप जब नहला नहीं सकते सर्दी में तो आप ड्राई बात कर सकते हैं। बग्गी को भी कर दो और बग्गी की भी ग्रूमिंग कर देना। होय 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 कमाल की खुशबू है। इधर देखो भाग गई। लग रहा जी लड़के ने पहली दफा शर्ट पहनी है जिंदगी में। लड़का पहन नहीं रहा, लड़के के साइज की ही शर्ट है, अब लड़के को पहनाई है बड़ी मुश्किल से। लड़के की बेगम किधर है? ये लें जी, लड़का परफ्यूम शरफ्यूम लगा के तैयार हो गया। लड़का माशाल्लाह बड़ा ही हसीन लग रहा है। अब लड़की को लेके आते हैं और लड़की को मिलवाते हैं। लड़की जो है पता नहीं पसंद करती है कि नहीं लड़के को। लड़के ए लड़के ओ ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह लड़का जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और रेडी हो गया ना, इतना प्यारा लग रहा है, इतना हसीन लग रहा है, मैं बता नहीं सकता। इस लड़के को लेके चलते हैं जी लड़की के पास। लड़का गुस्सा कर रहा है। लड़का ना वैसे गुस्सा करता है लेकिन कहता कुछ नहीं है। एह 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 लड़के का स्टाइल तो देखें बाहर जाने का। लड़का बाहर जाना चाहता है। इधर आओ तुम्हारी तुम्हारी तुम्हें तुम्हारी बेगम से मिलवाते हैं।
ये तुम्हारी हसीनो जमील बेगम, ये देखो ये तुम्हारी वाइफ, रुल दो वाइफ तुम्हारी। ब्रोनी बीमार थी ना, तो इस वजह से ब्रोनी को हम बात नहीं दिया हमने। अब इंशाल्लाह ये ठीक हो गया तो इसे बात देंगे। और अब माशाल्लाह माशाल्लाह अब सबकी दुआओं से, हमारी दुआओं से ब्रोनी बिल्कुल ठीक हो गई है। और ब्रोनी की लंबी उम्र के लिए भी अब सब दुआ कीजिएगा। ये देखें जी ब्रोनी, ब्रोनी लड़का आ गया है, कोई बात करनी है ब्रोनी ने। ब्रोनी अपने लड़के को ना, अपने हस्बैंड को बड़े शौक से देख रही है, बड़ी खुशी से देख रही है कि ये तैयार त्यार होके आ गया। और पता नहीं क्या कहना चाहती है, जो भी कहना चाहती है हमें नहीं पता, इसे छोड़ते हैं। कल सबने ना एक बात का बड़ा इशू बनाया हुआ था। कल हमने डाल दी एक शॉर्ट, उसमें नूर मानो बैठी हुई थी और नूर मानो के साथ दो किटन्स बैठे होते, छोटे छोटे बेबी। बस सबने कहना शुरू कर दिया आप ही नूर के बेबीज हो गए और आपने हमें बताया ही नहीं, आप हमसे छुपाती हैं, आप हमसे सीक्रेट्स छुपाती हैं। भाई वो नूर के बेबीज नहीं थे, वो छोटी साशा वगैरह जब छोटे होते थे ना, वो उस टाइम की वीडियो है। जिस दिन नूर के बच्चे होंगे उस दिन तो मैं ऐलान करूंगी, उस दिन तो सबसे ज्यादा इंतजार है। उस दिन तो इस नूरी के बच्चे होंगे ना, फीनी के बच्चे, तो हम गरज बरस के बताएंगे, हम ऐलान करेंगे, हम मिठाइयाँ बांटेंगे। है नूरी पूरे इलाके में, पूरे मोहल्ले में, आंढ़ गुआंढ़ में, पड़ोसियों में, सबको मिठाई तकसीम करेंगे कि नूरी के बच्चे हुए। नूर के बच्चों को बहुत इंतजार है, बहुत। नूर के बच्चों का ना हमें बहुत इंतजार है, क्या पता यही मेट कर दे और नूरी के भी प्यारे प्यारे बच्चे, ऐसे रंग बिरंगे बच्चे होंगे फिर तो, है ना। ये जी अभी हम इसे न्यूटन नहीं करवाएंगे, इसने अगर ब्रोनी को कर दिया मेट या इसको कर दिया तो फिर ना हमें इन दोनों में से जिसके भी बच्चे आए तो फिर हम चाहते हैं कि इनके भी बच्चे आएँ और नई रौनके लगें घर में, इंटरटेन हों हम भी आप सब भी। तो ऐसी बात नहीं, हम आपसे कोई बात छुपाते नहीं, इनसे रिलेटेड हर चीज़ आपको बताते हैं, जब भी इनके बच्चे हुए आपको लाजमी बताएंगे। ये देखें आप कपड़े पहन के ना, खुशबू वगैरह लगा के बिल्कुल रेडी होके बैठ गया, जैसे हम लोग नहीं किसी शादी में या फंक्शन में जाने से पहले रेडी हो जाते, बिल्कुल वैसे ही हो गया। और वैसे ही ना खुशबू महक रही है पूरे कमरे में। बस ये मैं इसको लेके जाने लगा हूँ बाइक राइड पे, मफिन को भी लेके जाने लगा हूँ। और ये नूरी मैडम वगैरह जो है ना, ये बाइक राइड नहीं करते। अब इंशाल्लाह ताला सब बच्चों के बाद मौसम खुल गया, बर्थडे की भी वीडियो बड़ी जल्दी आएगी। और कल इंशाल्लाह ताला इसका और मफिन का व्लॉग देखेंगे बाइक राइड वाला, तो कल का व्लॉग जो है वो मिस ना कीजिएगा, बड़ा मज़े का व्लॉग होगा। और जी आज की वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, यकीनन आपको अच्छी लगी होगी आज की वीडियो। और शार्ले का भी अब बाहर जाने का मूड और है, वो भी जा रहा है, वो भी आपको अल्लाह हाफिज़ बोल रहा है। मैं हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शार्ले की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, मोटी नूर की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़, जोए की तरफ से भी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, कल की वीडियो में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।